हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा डिजाइन लेके आई हूँ स्केल में। चलिए पहले हम मैजिक रिंग बनाते हैं। ये कुछ अलग तरीके का मैजिक रिंग है। ये धागा उंगली में लपेट के हमने 3 चेन लेनी है। पहले डबल क्रोसेट का बनाते थे मैजिक रिंग, इसमें हमने सिंगल क्रोसेट का बनाना है। सिंगल क्रोसेट, ये सारा मैजिक रिंग हमने सिंगल क्रोसेट से बनाना है। और जो यहाँ पे टोटल हमने 20 सिंगल क्रोसेट बनाए और फिर से हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया एक स्लिप स्टिच के साथ, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए छोटा सा रिंग बन गया हुआ है, ये सिंगल क्रोसेट का है। अब इसके अंदर हमने फिर से सिंगल क्रोसेट बनाना है, अगेन सिंगल क्रोसेट। यहाँ से देखते रहना कैसे बनाना। पहले भी हमने 20 सिंगल क्रोसेट बनाए थे और फिर से हमने इसमें 20 सिंगल क्रोसेट बनाने। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक वॉच करना बिना स्किप करके। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये क्रोसेट पैटर्न। और मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में भी सपोर्ट करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं। ये हमने फिर से 20 सिंगल क्रोसेट सेम उसी के ऊपर फिर से बनाना। पहले सिंगल क्रोसेट का मैजिक रिंग बनाया, अब उसी के ऊपर फिर से हमने सिंगल क्रोसेट 20 टाइम्स फिर से बना लेंगे उसी के ऊपर। बहुत प्यारा लगता है, इसको ट्राई जरूर करना। अब यहाँ पे हमने सेकंड कलर यूज किया है व्हाइट कलर। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। पहले 3 चेन लेके सेम जहाँ पे चेन लिए वहीं पे हमने लूप बनाना है। 1 2 3 3 टाइम्स धागा लपेट के लूप बनाना है। फिर से इसी के नेक्स्ट में फिर से हमने धागा यहाँ से निकाला, 1 2 एंड 3 3 टाइम्स निकालना है। फिर इसका हमने ये लूप बना देना इसका। फिर से इसके नेक्स्ट में 1 2 एंड 3 सेम स्टिच में हमने 3 टाइम्स निकालना है। फिर से नेक्स्ट में हमने बनाना है यहाँ पे 1 2 एंड 3 3 टाइम्स 1 स्टिच, ठीक है। इस पैसे बना लिया हमने, 1 2 3 4 बन गए, हमने 5 बनाने हैं। 1 2 एंड 3 3 बना दिए, ठीक है। 3 और ये हमारे टोटल हो गए 5 लूप बन गए। अब हमने यहाँ पे 5 चेन बनानी है। 5 लूप बनने के बाद 2 3 4 5, ठीक है। 5 चेन बना के उसके नेक्स्ट में फिर से हमने 5 लूप बनाने जैसे पहले बनाए थे, 3 3 5 इकट्ठा एक ही उसमें सेम स्टिच में डाल के 2 एंड 3। ठीक है, ये गैप हमने ये 5 चेन डाल के और फिर से हमने हमारे 20 स्टिच है ना, 20 स्टिच में हमने 5 5 का लूप बनाना है। मतलब कि 20 ही लूप बनेंगे 5 5 के गैप में। ये हमने बना लिया, देखिए 5 5 5 लूप और बीच में हमने 5 चेन का गैप दिया हुआ यहाँ पे। हम यहाँ पे 3rd कलर यूज़ करेंगे। आप चाहो तो सेम कलर से भी बना सकते हो, वाइट से वाइट और येलो का बना सकते हो 3rd कलर, लेकिन मैंने यूज़ किया यहाँ पे 3 चेन और यहाँ पे हमारा सिंगल क्रोसेट। फिर से 1 2 3 चेन 1 सिंगल क्रोसेट, 1 2 3 चेन फिर से हमने नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोसेट, 1 2 3 चेन फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोसेट। ये ऐसे बनाना है, 3 चेन और 1 सिंगल क्रोसेट, ठीक है। 1 ठीक है, यहाँ पर फिर 1
to 3 chain. अब ये जो हमारा ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर हमने 5 सिंगल क्रोशेट टुगेदर 5 सिंगल क्रोशेट टुगेदर इकट्ठे हमने सेम में 5 सिंगल क्रोशेट लेने 5 सिंगल क्रोशेट लेंगे फिर हमने 3 चेन 1 2 3 चेन फिर से सेम इसमें ही 5 सिंगल क्रोशेट अगेन 2 3 4 and 5 together 3 chain next stitch 1 single crochet 3 chain in next stitch 1 single crochet 1 single crochet 3 chain in next 1 single crochet 3 chain and 1 single crochet 1 2 3 chain ab isme humne fir se 5 single crochet together 1 2 3 4 and 5 3 chain 5 1 2 3 chain और फिर से हमने 5 सिंगल क्रोशेट टुगेदर इन सेम स्टिच में हमने 5 सिंगल क्रोशेट फिर से लेने इकट्ठे लेने ठीक है ये सब ऐसे बनाएंगे ठीक है ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया है बहुत सुंदर लगता है ऐसे छोटे छोटे मोती बना के अब ज्वाइन करने करके ना इसको बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं ये फिर से मैं बता रही हूँ यहाँ पे हमने 5 सिंगल क्रोशेट टुगेदर 5 सिंगल क्रोशेट लेना फिर से 3 चेन 1 2 3 ये लास्ट कॉर्नर है जो हमारा ठीक है 5 सिंगल क्रोशेट टुगेदर फिर से यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर दिया ज्वाइन कर दिया ये देखिए बहुत प्यारा कलर था कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो ऐसे छोटे छोटे मोटिव बना के हम बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं ओके थैंक्स टू वॉच माई वीडियो